पेपर बोट बनाने के लिए आपको एक ऐसा पेपर का टुकड़ा लेना है, उसे आप ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से आप मोड़ेंगे, फिर आपको इस तरीके का एक पेपर का टुकड़ा मिल जाएगा। फिर आप इसे लेफ्ट से राइट की ओर, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर आप इसे फोल्ड करेंगे। लेफ्ट से राइट भी हो सकता है, राइट से लेफ्ट भी हो सकता है। इसके बाद आपको एक क्रीज मिल जाएगा बीचों बीच, कुछ इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं ये। इसे आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं बाहर से अंदर की ओर। उसी तरीके से आपको दोनों साइड करना है, लेफ्ट वाला साइड भी और राइट वाला साइड भी। ये किया आपने फोल्ड और आपको कुछ इस तरीके से पेपर का टुकड़ा मिल जाएगा। अब इसे फोल्ड रहने दीजिएगा। नीचे वाला जो साइड है ये खुला है, इसे हम ऊपर की ओर मोड़ देंगे, पेपर को पलटेंगे और दोबारा से वही क्रिया दोहराएंगे, सेम प्रोसेस। ये हुआ। अब इसके बाद जो आप ये देख रहे हैं, ये जो खुला हुआ हिस्सा है, इसे अंदर की ओर मोड़ेंगे, दोनों किनारों को अंदर की ओर। आपके पास कुछ ऐसा हिस्सा होगा, ये लाइन और ये, और लेफ्ट साइड और राइट साइड इस तरीके से। अब आपको बीच में से पेपर को इस तरीके से खोलना है, ऐसे फोल्ड करेंगे। दोबारा से बता देता हूँ, ये हमने बाहर से अंदर की ओर फोल्ड किया, दबा दिया अच्छे से। अब पेपर को इस तरीके से बाहर की ओर खोल दिया। खोलने के बाद हमें एक चौकोर पेपर का टुकड़ा मिल जाता है। नीचे वाले हिस्से को हम ऊपर की ओर फोल्ड करते हैं और ठीक यही क्रिया हम दोनों साइड से करेंगे और फिर दोबारा से इसे इस तरीके से खोल देंगे। खोलने के बाद हम दोबारा से इसे इस तरीके से जब खोलते हैं बाहर की ओर, तो ये वाला हिस्सा बाहर निकलता है, फिर हमें इस तरीके से इसे दबाते हैं। ये आपका बोट रेडी। जब इसे आप इस तरीके से सेट कर देंगे तो ये आपका बोट रेडी हो जाएगा। जो बोट हमने बनाया था उसके लिए बैकग्राउंड कैसे बनाएं? मैंने एक परमानेंट मार्कर लिया है और कुछ कलर। पानी के लिए मैं लाइट और डार्क ब्लू यूज़ कर रहा हूँ। स्काई के लिए रेड, ऑरेंज और येलो। जब हमारा बैकग्राउंड रेडी हो जाएगा, उसके बाद कोई भी आप ब्लैक कलर या फिर बोल्ड मार्कर मिल जाए, उससे आप इसकी आउटलाइन कर सकते हैं। इस तरीके से चिपका सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें ग्लू लगा सकते हैं। ध्यान रहे पेपर को इस तरीके से
चपटा नहीं करना या बहुत चिपकाना नहीं है। बोर्ड की शेप खराब नहीं होनी चाहिए, उठी हुई होनी चाहिए। आपको जहाँ ठीक लगे पोजीशन वहाँ पर रख सकते हैं, पर ये नहीं कि आप आसमान में लगाएं, पानी में ही कहीं पर भी आप इसको इसकी पोजीशन दे सकते हैं। ऐसे ऐसे चिपका देना है और इस तरीके से छोड़ देना है ऐसे।